आइए देखते हैं मजा आएगा। मेरे पापा के अंदर चुड़ैल घुस गई, उस चुड़ैल ने तुम्हारी दादी को ऊपर लटकाया है। ओह, दिस इज द केस ऑफ वेदर डिपार्टमेंट। सिट्टू मेरा बच्चा, अगर तू मुझे नीचे उतारेगा ना, कसम से कहती हूँ इस घर में आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगी। चल 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 हट चल। पिछली बार भी कहा था मेरे को आधा हिस्सा देगी, मेरे कहती सेकंड फ्लोर वाला कमरा तेरा, मैं सामान लेके आ गया, सेकंड फ्लोर है ही नहीं। बकवास करती है। सिट्टू, मैं सिट्टू घर छोड़ो, तुम ना एक काम करना, मैं ना तुम्हारी अपनी बहन से शादी करवा दूंगी, तुम बस चुड़ैल को निकालो। ये तो और भी मनहूस बात है। मतलब तुम्हारे बाप के अंदर की चुड़ैल निकालूं और तुम्हारे बाप की पैदा हुई चुड़ैल अपने घर ले आऊं? नो, दैट इज अ डिस्गस्टिंग मैटर ऑफ द प्लेनेट ऑन दिस अर्थ। अरे नहीं, अरे मेरी बहन बहुत रंगीन मिजाज की है। अच्छा, वो रंगीन रंगीन मीन कोई नहीं, पीलिया हुआ उसको, मल्टी कलर बहन इसकी, मुंह लाल है, गर्दन पीली, पेट हरा, टांगे नीली, चला। छोटी वाली की बात कर रही हूँ। वो तो और भी बुरी, जिसकी मूंछ के बाद सीधा सर शुरू होता, आंखें आई नहीं। अब तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। वैसे बुजुर्गों ने कहावत कही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो कामयाब मर्द के पीछे होता है बेटा। ए, एक्स्ट्रा लार्ज होंठों की जोड़ी। तू एज ए बीवी तो मेरा साथ दे सकती है कि नहीं? जरूर, क्यों नहीं। आप अपने हारने की तैयारी कीजिए, मैं आपका सामान पैक करती हूँ। कभी तो अपने मुंह के अगेंस्ट बात कर लिया कर, जब बात करती मनहूस बात करती है। इसके मुंह के जैसे ना कब्रिस्तान में पत्थर लगे होते हैं, जिनके ऊपर लिखा नहीं होता मिस्टर रॉबर्ट डिकोस्टा डाइड इन 1984 सडनली। आजकल बेरोजगारों का एक ही जवाब होता है कि हमारे दादाजी सड़क किनारे वाली जमीन ना बेचे होते तो आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। हाँ। Oh my God! शर्मा जी, क्या हमेशा इतना ज्यादा मजाक करते रहते हो, अपने हनीमून पे भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। एटलीस्ट वो देखो ना, शाहजान को देखो, उन्होंने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया। उसकी बेगम भी मुमताज थी, तुम्हारे लिए मैं ऑमलेट ना बनाऊं, ताजमहल बनाऊं। अरे तो अच्छा, ताजमहल नहीं तो ये शीशा ही ले लूं। खबरदार, शीशे बाहर लगा दो। पता शीशा किसका है? जयपुर की महारानी का शीशा है। तो मैं कौन सी जयपुर की महारानी से कम हूं? जंतर मंतर जैसा मुंह और जयपुर की महारानी लग रही। दिल्ली में है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ज्योग्राफी की बहुत नॉलेज है इसको, इतनी कहीं मेकअप की होती ना, थोड़ी बहुत ठीक लगती। तेरा बाप इधर से उधर चीजें उठा के लाता रहता है, उनसे बोल के किस दिन आईब्रो मंगवा ले, पता चले तेरी आंखें हैं कहां। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।